हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बाइक के वेपराइजर की सेटिंग करेंगे ताकि बाइक एवरेज सही तरीके से दे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम ढक्कन टाइप लगाते हैं, जैसे हम गाड़ी में जैसे LPG बाइक में LPG किट लगाते हैं तो यहाँ पर ढक्कन लगाते हैं, पर इस बाइक में क्या है कि इधर हमने इस तरफ लगा रखा है ये होल करके। ये देखो यहाँ पे होल करके इसकी फिटिंग कैसे करी हमने, इसका वीडियो मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें देख लेना आप कैसे किया है। तो उसमें इसमें क्या है, आपको बार बार सीट नहीं खोलनी पड़ेगी, यहाँ से ढक्कन रिमूव कर सकते हो जैसे आपको पेट्रोल पे करनी है गाड़ी। तो जैसे हम सेटिंग करते हैं बाइक की LPG की, तो उसमें आपको ये वाली चीज़ है जो हिल रही है, तो यहाँ से ये वैक्यूम ले सकती है, यहाँ से हवा मतलब हवा खींच सकती है, तो आपकी सेटिंग है जो वेपराइजर की वो सेटिंग सही नहीं होगी, वो हिलती रहेगी। जैसे पाइप हिलेगी तो यहाँ से हवा जाएगी तो आप सेटिंग सही नहीं कर पाओगे, तो ये वाली चीज़ पूरी बंद होनी चाहिए। और अगर आपने ये वाली सेटिंग नहीं कर रखी है, यहाँ पर ढक्कन लगा रखा है, तो ढक्कन की सेटिंग भी चारों तरफ से पूरी सील होनी चाहिए। उसके बाद हम वेपराइज की सेटिंग करेंगे कैसे कैसे करनी है। तो पहले ये वाला पार्ट क्लोज कर लेते हैं, इसको हम चिपकाते हैं M-Seal और अलाटाइट दोनों मिक्स करके, और चिपका के फिर आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, ये M-Seal हमने दोनों मिक्स कर लिए, और इसके अंदर अकेले नहीं लगाएंगे हम, ये एक रैपिड आती है अलाटाइट, तो ये जल्दी मतलब 5-10 मिनट में पका देती है, तो ये वाली मिक्स करके फिर इसमें लगाएंगे ताकि अपना सॉल्यूशन जल्दी पक जाए। तो इसको एक बार रख देते हैं साइड में और इसको मिक्स करते हैं, ये वाले दोनों मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स करने के बाद ध्यान रखें, आपको 5 मिनट के अंदर अंदर लगानी होती है, नहीं तो यहीं सूख जाएगी। तो 1-2 मिनट में आप लगा दें, और इनका कलर डिफरेंट नहीं होता, जैसे अलाटाइट लेके आते हो तो कलर डिफरेंट होता है। इसको कोई लकड़ी वगैरह से मिक्स कर लेते हैं ऐसे। दोस्तों, इसको मिक्स कर करके लगाएंगे हम दोनों को ऐसे, M-Seal को और रैपिड को। चारों तरफ लगा देते हैं ताकि कहीं से हवा ना निकले। एक बार इसको नीचे करके लगा देते हैं, फिर इसको जो इसका कवर है ऊपर लगा देंगे, तो ये अपनी ओरिजिनल जगह पे सेट हो जाएगी। अभी हमने यहाँ से इसको बंद कर दिया, अभी ये वाला कवर लगा देते हैं हम ऐसे, तो ये अपनी जगह पे सेट हो जाएगी, अभी पक जाएगी। नीचे से एक बार चेक कर लेते हैं ऐसे। दोस्तों, अभी इसको पकने देते हैं थोड़ा, आधे घंटे बाद फिर ट्राई करते हैं। दोस्तों, ये देखो अभी आधा घंटा हो गया है, तो ये पूरा पक गया, देखो सॉल्यूशन जो हमने लगाया था। तो अभी हम इसकी फाइन ट्यून करते हैं सेटिंग करते हैं इसकी। दोस्तों, अभी सेटिंग जब भी आप जैसे इसको बाइक को करते हो LPG पे, तो वो तो आपको मैंने बता ही रखा कि इसका कार्बेट का पूरा पेट्रोल या तो निकालना पड़ेगा या जलाना पड़ेगा। उसके बाद अभी इसकी सेटिंग करते हैं, तो इसको भी गैस पे हमने स्टार्ट नहीं किया अभी तक, तो गैस पे स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं गैस इसकी। दोस्तों, गैस ऑन हो गई है और अभी इसको स्टार्ट करते हैं। अभी देखो हमने ये ढक्कन है जो लगा नहीं रखा, ये लगा देते हैं। तो गैस पे स्टार्ट हो गया ये, तो अभी इसकी सेटिंग करनी है, तो इस तरफ लेके आओ कैमरा ज़रा। एक जो ढक्कन है उसका बहुत बड़ा रोल है, जैसे आप पूरा एक्सीलेट करोगे बाइक को तो ये मिसिंग नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं पूरा एक्सीलेट कर रहा हूँ, मिसिंग नहीं कर रहा। अभी एवरेज की सेटिंग कैसे करनी है आपको, जो बटरफ्लाई लगा हुआ है इसको पहले पूरा टाइट कर दें। अगर आपको एवरेज सेट करनी है तो आप इसको पूरा टाइट कर दें, तो इससे आपकी बाइक एकदम बंद हो जाएगी।
अभी देखो, अभी ये जो गैस की सेटिंग है, गैस पूरी कम हो गई है। तो अभी इसको रेस देके हम एक्सीलेट करके देखेंगे। अभी देखो रेस ही नहीं पकड़ रहा। अभी देखो एक्सीलेट की तरफ देखो, तो एक्सीलेट कर रहा हूँ पर अभी रेस नहीं पकड़ रहा। अभी आपको बटरफ्लाई को धीरे धीरे खोलना है चूड़ी करके। अभी देखो जैसे जैसे खोल रहा हूँ, बटरफ्लाई को आपको इतना ही खोलना है ताकि आप पूरी एक्सीलेट करें, पूरी रेस दें तो बाइक पूरी वर्क करे, उससे ज़्यादा नहीं खोलना है। अभी देखो, अभी भी देखो मिसिंग कर रही है, अभी देखो पूरी वगैरह मिसिंग कर रही है। अभी थोड़ा सा और खोलते हैं इसको, अभी पहले से कम मिसिंग कर रही है। तो ऐसे करके आपको सेटिंग कर रही है। अभी एक एक आधे आधी चूड़ी करके घुमाना आपको। देखो बिल्कुल मिसिंग नहीं कर रहा है, इतनी अपनी बाइक चलती है। तो अभी आप इसको ड्राइव करके देखेंगे, ड्राइव में अगर मिसिंग करे तो थोड़ा सा इसको और खोल दो आप। तो यही दोस्तों सेटिंग होती है। अभी इसकी स्लो रेस है वो सेटिंग कर लेते हैं। तो स्लो के लिए ये जेट दिया होता है, तो इसको जैसे टाइट करके या लूज करके, आपको जैसे जैसे टाइट करोगे वैसे वैसे एक्सीलेटर कम हो जाएगा। तो जहाँ पर आपको रखना है वहाँ पर रख सकते हो। ये रेस इसकी सही है दोस्तों। अभी बाइक पूरी हमें सेटिंग होगी एलपीजी की। अभी एलपीजी ओके स्टार्ट हो रही है। कई बार जैसे क्या दिक्कत आती है मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये ढक्कन जो हमने लगा रखा है जिसमें ये होल किया है, इसमें देखो अभी मैं ये कर रहा हूँ तो जैसे इसकी एक्सीलेशन ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है। तो ये इस केस में क्या होता है, जैसे हवा कम जाती है, गैस ज़्यादा जाती है, ये चोक का काम करती है। तो कई बार जैसे क्या होता है, आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो बाइक जैसे हाईवे पे एक्सीलेट करते हो तो एकदम जैसे बाइक ऐसा लगेगा जैसे बंद हो रही है। आप एक्सीलरेशन एकदम घुमाओगे तो ऐसा लगेगा बाइक बंद होने वाली है। तो फिर आप थोड़ा सा छोड़ते हो तो फिर गाड़ी नॉर्मल चल जाती है। उस केस में क्या होता है, ये वाला होल है, आपको छोटा बड़ा करना पड़ेगा। कई बार जैसे सीट के नीचे लगा होता है और मैंने यहाँ लगा रखा है, तो वो होल आपको छोटा बड़ा करना पड़ेगा। इससे छोटा करना पड़ेगा वाला होल, थोड़ा छोटा करोगे तो फिर सही चलेगी एकदम आपकी गाड़ी। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।